यूपी पॉलिटेक्निक 2023 के जो एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, वो कब तक होगा, या चाहे आपका एडमिट कार्ड है वो कब तक होगा, इसके बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि आप लोग चाहे टेलीग्राम पर हो, चाहे यूट्यूब के जो हमारे यूट्यूब पर वीडियो पड़ता है उसके नीचे कमेंट बॉक्स होता है, उसमें आप लोग कमेंट करके पूछते हो। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आपके जेकब का जो एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट था, वो आप लोग को पता है कि 1 मई तक था, फिर उसे बढ़ाकर 25 तक किया गया। अब जो बढ़ाकर कर दिया गया वो 10 जून तक कर दिया गया, 10/6/2023 तक कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आपको हम बताने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक एग्जाम कब तक होगा, एडमिट कार्ड कब तक आएगा। मित्रों, आपको मैं बता देना चाहूंगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि पॉलिटिक्स से संबंधित आपको क्लासेस हैं, हर एक चीज, हर अपडेट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जैसे नोटिफिकेशन आए तो आपको मिल जाए। अगर हम बात करें जो आपका एग्जाम होगा वो कब होगा, उससे पहले आपको समझना होगा कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, फॉर्म भरने के बाद में सबसे फॉर्म, जैसे आप मान लीजिए आपका जो फॉर्म है वो 10/6 तक क्या है, भरा जाएगा, इसके आगे अब क्या है, एक्सटेंड नहीं होने वाला है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है, या आपके आस पड़ोस में आपका भाई, आपका बहन, आपका दोस्त कोई भी छूट गया था, तो आप उसे बता दीजिए कि पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरने का जो डेट था उसे भर गया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं भरा तो जाकर भर दो भैया, है ना, जाकर क्या है, भर सकते हैं। देखिए, अगर 10/6 तक फॉर्म भरने का डेट है, तो कम से कम आपको क्या है, मानकर चलिए कि 12 से लेकर 15 तारीख तक क्या है, आपका करेक्शन ही होगा। कम से कम 5 दिन होगा, 17 दिन, 17 तारीख तक, 17 जून तक, ये क्या है, आप मानकर चलिए कम से कम, मैं बता रहा हूं 17 जून तक तो आपका करेक्शन ही चलेगा। उसके बाद में आप क्या है, एडमिट कार्ड का स्टेटस डाउनलोड करने का आपको डेट दिया जाएगा कि आपका जो एग्जाम है वो लखनऊ में है, किस तारीख को है और किस कॉलेज में है, ये क्या है आपको मौका दिया जाएगा ये स्टेटस देखने के लिए। यानी 17 से लेकर कम से कम 25 तारीख तक आप अपना जो स्टेटस है वो क्या है, आप देख पाओगे मेरे भाई, है ना, स्टेटस देख पाओगे 17 से 25 तक, ये क्या है आप मान सकते हो। पिछला भी जो डेट मैंने बताया था वो सब अब बेकार हो जाएगा, क्योंकि अब इसके आगे सब फेल हो जाएगा, क्योंकि जो आपका एग्जाम डेट है वो क्या है, इम्प्रूव हो गया है, है ना, ये आपका स्टेटस। फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डेट कम से कम क्या है, आप लोग का 25 से 30 मान लीजिए, कम से कम 30, है ना। तो एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करने का डेट है वो क्या है, आप 25 से लेकर 30 जून तक मान सकते हो। क्यों मान सकते हो, है ना, ये आपने क्या इस चीज को एक्सप्लेन किया, मैंने आप क्या आप समझा होगा, है ना, आपका एडमिट कार्ड है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपका एग्जाम होगा वो कब तक होगा। मेरे मित्र, मेरे दोस्त, जब आपका एडमिट कार्ड आता है उसके बाद में कम से कम 3 से 4 दिन का आपको मौका मिलता है कि आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन के माध्यम से अलग अलग शिफ्टों में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जहां पर ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध है वहां वहां पर क्या है कराया जाएगा, वहां वहां पर क्या है कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप मान कर चलिए मेरे दोस्त कि जो आपका एग्जाम है वो कम से कम 5 से लेकर 7 जुलाई तक, है ना ये। लेकिन एक चीज और आप मान लीजिए कि अब इससे आगे ए डेट एक्सटेंड नहीं होगा, ये हर साल एक्सटेंड होता है, 2 बार कम से कम एक्सटेंड होता है, हर साल एक्सटेंड होता है, अब इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। जब मैंने 2018 में पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो मेरे दोस्त, मैं बता दूं, मैंने अप्रैल में दिया हुआ था, 26-27 अप्रैल समथिंग था, अप्रैल में मैंने दिया हुआ था। अब देखिए, आपका जुलाई में एग्जाम होने वाला है, कितना लेट हो रहा है, जुलाई में आपका एग्जाम होगा, कम से कम 1.5 महीना काउंसलिंग के लिए, जुलाई के बाद अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर में कहीं आपका जो क्लासेस है वो क्या स्टार्ट होगा, ये चीज क्या है आपको देखकर चलना होगा। हालांकि क्या है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है वो, फिर जुलाई में आपका जुलाई तक फिर क्या है चीजें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन आपको अच्छे से तैयारी करना है और इससे ज्यादा अपडेट नहीं बढ़ने वाली है। यही आपको मानकर चलना है कि जो आपका एग्जाम होगा वो क्या होगा, 5 से 7 जुलाई आप मान सकते हो, या आप मैक्सिमम 10 मान सकते हो, 10 जुलाई के बाद उससे क्या है आप तक एग्जाम है वो कंडक्ट करवा देगा। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नया सब्सक्राइब करके रखे, क्योंकि जैसे इस वीडियो है तो आपको मिल जाए। और क्लास है, क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मैं दे रहा हूँ, जाकर वहां से आप देख सकते हो। पॉलिटेक्निक कोई भी डाउट है तो यूट्यूब पर सर्च करिए, आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। पॉलिटेक्निक बेस्ट बुक बाय सिलेक्शन विद राजेश, पॉलिटेक्निक में रैंक क्या होता है बाय सिलेक्शन विद राजेश, तो जैसे आप बाय सिलेक्शन विद राजेश लगाओगे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो है तो आपको मिल जाए। चलिए, आप लोग अपना तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।